नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर पटना से मिल रही है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, 13 जनवरी को नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी है। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इससे पहले भी जब TRE-1 का रिजल्ट आया था, तब आपको याद होगा कि पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों के बीच में नियुक्ति पत्र बांटा गया था। इस बार फिर से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी गांधी मैदान में है। CM नीतीश कुमार डिप्टी CM तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों के बीच सौंपेंगे। तो बड़ी तैयारी है पटना के गांधी मैदान में। एक बार फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति पत्र का वितरण, करीब 25,000 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटेंगे गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। जी मीडिया संवाददाता निषेध इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, एक बार फिर से खबर ये मिल रही है कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। बिल्कुल राजेश जी, 13 जनवरी ये तिथि निर्धारित की गई है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं KK पाठक, उन्होंने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है और उसके जरिए इस बात को कहा है कि 3-2 वाले जो विद्यालय अध्यापक हैं और साथ ही 3-1 का जो पूरक परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है, उसमें जो भी अभ्यर्थी थे जो पास हुए थे, उन सभी को अब जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा। जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस बात को कहा गया है कि कुल 1 लाख से अधिक जो विद्यालय अध्यापक है उनकी काउंसलिंग चल रही है और वो काउंसलिंग 8 तारीख को समाप्त हो जाएगी और काउंसलिंग के ठीक पश्चात जो अभ्यर्थी हैं जो पास किए हैं जिनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उनको जिले में जो प्रशिक्षण संस्थान है वहां पर ओरिएंटेशन के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद 13 जनवरी जो निर्धारित तिथि है उस दिन पूरे बिहार में करीब 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। इसके साथ ही पटना का जो गांधी मैदान है वहां पर भी लगभग 25,000 विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जिनमें से करीब 500 जो विद्यालय अध्यापक हैं उनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव और कई जो मंत्री हैं वो खुद व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र देंगे। और गांधी मैदान में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसको लेकर के भी इस पत्र में कहा गया है कि जो भी शिक्षक है वो अलग अलग जो जिले से आने वाले हैं उनकी भी व्यवस्था किया जाए, उनको पहुंचाना गांधी मैदान में सुनिश्चित किया जाए और दोपहर 3 बजे से जो कार्यक्रम है वो पटना के गांधी मैदान में भी आयोजित किया जाएगा नियुक्ति पत्र वितरण का और जो अलग अलग जिले हैं वहां पर भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जी बिल्कुल निषेध, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।